किस तरह का प्रोजेक्ट और किस तरह से उसे आगे लेके जाएंगे? देखिए ऐसा जी के ये प्रोजेक्ट बनाने में जो हमारे सहयोगी हैं उन सब से हमने राय लेके इंग्लैंड से, यूके से, सिंगापुर से इंजीनियर जो हैं बुला के, आर्किटेक्ट बुला के हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। ये जो शोर मचा रहे हैं ये पार्किंग, तो उसका एक शायद 15-20 पैसे हिस्सा है। उसके ऊपर जो बाकी डेवलपमेंट होनी है, जो सरकार के साथ हमारा होम मिनिस्ट्री में एग्रीमेंट हुआ है, उसको मद्देनजर रखे हम यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसी बाई लाज को छेड़ नहीं रहा। इसमें भाई लक्की शाह अंजारा हाल बड़ा होगा, फिर एक छोटा जो फर्स्ट लेवल के ऊपर बनाया जाएगा, सराय बनाई जाएगी, कन्वेंशन हॉल बने जाएंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल बने जाएंगे, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, किसी ने सिख धर्म के बारे में अध्ययन करना है उनके लिए जगह बनाई जाएगी, रहने के लिए जगह बनाई जाएगी, और गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रिंटिंग प्रेस है जो भी बहुत बड़ी हालत बनी है उसको सारा ठीक करके आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी ग्रंथी सभान हैं या सीनियर मुलाजम हैं गुरुद्वारा पेटी के, उनकी बहुत बढ़िया तरीके से जो है फ्लैट वगैरह बनाए जाएंगे। देखिए जो वो लोग लगे हुए हैं उनका है कि एनीथिंग बिटवीन 300 to 350। टाइम पीरियड क्या है? 3 साल। जो पार्किंग बना रहे हो और विरोधी दलों का कहना है कि 50 करोड़ का खर्चा जो 350 करोड़ का करता है, इसकी सारी कहानी की है। देखो गल हैगी जी के पहली गल तो हैगी कि उन्होंने कोल गुरु ने शायद ना अकल दिता ना दिमाग दिता। यह प्रोजेक्ट खाली कार पार्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, यह पूरी डिवेलपमेंट हैगी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के एरिए की, जिस दे विच गुरुद्वारा साहब की मौजूदा बिल्डिंग नूं बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। गुरुद्वारा जो लक्की शाह वंजारा हाल है इसनों डेढ़ा किया जाएगा, इस हेठा एक होर छोटा हाल बनाया जाएगा, प्रिंटिंग प्रैस जी है गुरमत प्रिंटिंग प्रैस और सराम वगैरह यह सारिया चीजा कट्ठिया बनी हुई तो मैं फोटो देख लिया। प्रोजेक्ट इतना वड्डा है कि पार्किंग इज ओनली मैक्सिमम 50-20% ऑफ द टोटल कार। देखो जी असी जी है एड भी हुई है पर उस एड का यह फायदा होया कि अज संसार भर के इस प्रोजेक्ट ना चला गया और इन्हों विरोध करके सानू यह सारी चला गया। मैं ईमेल राही फेसबुक के उत्ते सैकड़े हजार बंद ने कहा भी जब प्रोजेक्ट शुरू होगा असं ये पूरा अपना सहयोग पावे और इन्ह गलों का साढ़े ते एक धेले का असर नहीं है। ये तो हूँ गुरु ने जिस दे उत्ते जिमें गुरु हरकृष्ण साहब ने अपनी छड़ी रखी सी झीवर के उत्ते उन्हें गीता दर्थ करते सन, ये जिस ते छड़ी रखेगा गुरु तेग बहादुर साहब वह नहीं पत्थर रख देगा। सानू इस गल का फिक्र मैक्सिमम 3-4 जून तो पहला काम निपट जाए। छोटी जी गल है, क्या ये सेवा जी है बाबा बचन सिंह भी देती जा सकती है अगर 350 रुपए का खर्चा है तो? देखो सानू बाबा बचन सिंह देने कोई वर्ज नहीं है, पर जिस तरीके इतने बननी है बाबा बचन सिंह और जेड़े है वो 10-15-20 साल लग सकते हैं। विद इन 3 ईयर कंप्लीट करना चाहते हैं अगर लैके आवन असिदा ना कि 150 करोड़ उन्होंने हवाले कर देंगे, बाकी आप इकट्ठा कर लेंगे। सिर कार पार्किंग होगी जिसे तकरीबन 1,080 के करीब पार्किंग, दूसरे लैवल के उत्ते जो पार्किंग हैगी यदि घट के 650-700 फस्ट लैवल के उत्ते पार्किंग और घट गई उसे जड़े है जितने भी सारे लोड़ होंगे चीज़ा साढ़े गोदाम्स है राशन स्टोर है साडा लिटरेचर रखने का समान हैगा, ये सारिया चीज़ा अं बना दफ्तर भी साढ़ा जी हाइट हैगी कि गुरद्वारा रुकामगंज साहब 2-2 मील तो नज़र आए असी इस बिल्डिंग की हाइट को घटाओ ता कि गुरद्वारा मेन अट्रैक्शन जी गुरद्वारा होगी और जो इसकी डिवेलपमेंट होगी और खाली इसे ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहब के छापण जो गुरमुख प्रिंटिंग प्रेस है इन्हों सारे समिटरी से लैके आवेंगे और जड़ा खाली
जिन्हां ने सिख धर्म बारे दा इतिहास बारे जानकारी है उन्होंने जगह होगी। गुरु ग्रंथ साहब बारे बाणी बारे कोई उन्होंने जानकारी लेनी है उसके बारे इतने स्थान बनेंगे। छोटे छोटे कन्वेंशन हाल और कॉन्फ्रेंस हाल बनेंगे। मतलब 200 साल कोई सिख सोच नहीं सकेगा भी सानू इस चीज़ की इतने लोड़ हैगी। और डेवलपमेंट जी है असं कर जा रहे हैं। नक्शे मैं सारे देते हैं, फोटो सारिया देती हैं हर लैवल दियाँ। देखो गल है जी कि पॉसिबिलिटी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पहले अप्रोच किया साड़ी हाले भी खास आन पर हूँ उस अकाल पुरख का हुक्म है किसने रखना है किसने रखना वही आल डिपेंड अपॉन आप। कद तक पॉसिबिलिटी है लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। एक बहुत इस ज्यादा प्रोजेक्ट अजे शुरू नहीं होया बट कई लोगों की एलीगेशन लगना शुरू हो गए जी पार्किंग ते मैं तो सीधा क्या किसी ने मां का दुध पीता है पिंड की नौ दिन दाग ला के दस दे पुछो किन्ने पीता जा जाए आओ ना मदाने जंग चाओ ना। तंबाकू के कुछ कहते हैं इन्होंने वीडियो रिलीज किया कोई सैचेट्स वगैरह तंबाकू के गुजार कमाने चाहिए जगह जी। देखो मेरी गल सुनो तुम समझ सकते हो इस जगह के उत्ते कोई तंबाकू के कैसेट या फलाना कोई सिगरेट बीड लैके आ सकता है नरकार वो गिची लै जाता है। अच्छा इन्ने दिन तो है इन्ने ब्लेम या इल्जाम लगा रहे हैं तुम इन्नी लेट जवाब क्यों दे रहे हो इन पहला क्यों नहीं जवाब देते। एक चाइनीज का मुहावरा है कि जिसने बाल सुटनी है ना जोर ला के सुट लवे तुम एक कदम पिछे हो गए बाल फड़ लो। मैं बाल कदम बन पिछे हटते नहीं लोने नहीं पी बाल फड़ के सारे जवाब देते हैं उन्होंने कहा प्यो का दुध पीता ने पीटी चैनल से मेरे दिन आके बहस कर चैनल।